एक बार मैं अपलोड कर दूंगा दोनों अलग अलग पार्ट, है ना। कितना कोई देखता भी नहीं आजकल, व्यू भी बहुत कम आ रहा है भाई, 10 व्यू आ रहे हैं, बताओ 10 व्यू भी नहीं आ रहे किसी किसी वीडियो में, ठीक है ना भाई। व्यू वगैरह बढ़ाओ यार, 370 पे यूट्यूबर ज्यादा हो रहे हैं ना, उनके पास अब 20 भी नहीं रह गए, सच बता रहा हूँ, 20 ऐसे ऐसा सब यूट्यूब पे कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे, वो तो ऐसे कुछ नया खरीद लिया डाल दिया, दो नए फोन आए थे अजीब से, अनबॉक्सिंग में पहले बोलते हैं किसी दोस्त का भी नया फोन, कोई नई चीज आती है, हम बोलते भाई अनबॉक्सिंग करेंगे एक दो दिन का, मजा आता है वैसे तो, पुराने पुराने मॉडल में जाते हैं पर हम कर देते हैं, हम बोलते हैं छोड़ो ना, 100 व्यू आएंगे तो आ जाएंगे, अनबॉक्सिंग में ज्यादा आते हैं, इसमें पीछे नहीं आते, आज और मेन चैनल है हमारा, ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे, तो अब तो रेगुलर है, सारा सामान अपने पास है, कभी वीडियो अपलोड करके डाल दें, ठीक है। इधर देखो जब हम डिस्कस, भाई कितनी कैडी आवाज आती है, आवाज में कमी आती नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, आवाज में कमी भाई अंदर वाले कमरे में आती थी, जब मैं अंदर बना देता पता नहीं क्या दिक्कत आती थी, ठीक है। और अब तो सर्दियां भी है, पंखा भी नहीं चलता, कुछ आवाज नहीं, शांत पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इधर देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम डिस्काउंट करते हैं, मतलब जब भी मैंने आपको बोला कि पेमेंट, हमें मैंने बोला कि क्या कहते हैं उसका नाम, पेमेंट निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है, बंदे बोलते हैं 3 महीने बाद 4 महीने बाद, तो 3-4 महीने तक आपका पैसा अटक गया ना, 3-4 महीने तक आपका पैसा अटका नहीं अटका, और ऊपर से उसके बाद भी कुछ वो नहीं है कि पेमेंट करेगा नहीं करेगा, 3-4 महीने बाद भाग गया तो सही कह रहा हूँ। तो फिर आप बोलते हो भाई अगर तू आज पेमेंट करेगा ना तो तेरे को 5% डिस्काउंट, अगर तू आज पेमेंट करेगा तो तेरे को 5% डिस्काउंट, तो बंदा बोलेगा वाह भाई 5% डिस्काउंट, तो आज ही ले तू पेमेंट, अब तुम्हें लग रहा होगा 5% 100 रुपये में, बस 5 रुपये 5 रुपये के लिए मैं जल्दी पेमेंट करूँ, भाई ये ऐसे नहीं होती, 100-100 रुपये वाली, ये लाखों की ट्रांजेक्शन होती है, मान लो 10 लाख का 50,000 डिस्काउंट होता है कि नहीं होता, 1-1 करोड़ की ट्रांजेक्शन होती है, कितना 5 लाख डिस्काउंट मिल गया, समझे नहीं समझे, तो उसको फिर लॉस है ना, वो दे रहा है डिस्काउंट, तो भाई वो कुछ सोच के ही तो दे रहा होगा, डिफेक्टेड माल दे रहा होगा, नहीं नहीं कुछ सोच के ही दे रहा होगा डिस्काउंट, वो बोल रहा उसको क्या पता पैसों की जरूरत हो, क्या पता उसे पैसे की जरूरत हो, भाई देखो सब अपना बिजनेस मार्जिन बना के चलते, क्या पता उसका 20% का मार्जिन हो, उसको गुड्स पड़े 80 लाख के, तेरे को बेच रहा है 1 करोड़ के, 5% मार्जिन छोड़ रहा है, 15% बचा, समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो गया इसे, सब ठीक है ना, सर भाई बता दे इसके बारे में, ठीक है। तो देखो दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है कि भाई तुमने बल्क में आइटम खरीदा हमसे, और एक होता है कि तुमने जल्दी पेमेंट कर दी, ठीक है। तो जब भी बल्क में हम आइटम खरीदते हैं और जो उसमें डिस्काउंट मिलता है उसे क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, उसे क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और जब भी हम क्या करते हैं जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट। ये किस लिए मिलता है, इमीडिएट पेमेंट के लिए, किस लिए मिलता है, इमीडिएट पेमेंट के लिए, इमीडिएट पेमेंट। देखो इमीडिएट पेमेंट ऐसा नहीं है कि तुरंत कर दो पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट मतलब कि बंदे ने बोला अगर तू 1 हफ्ते के अंदर करेगा, 1 महीने के अंदर करेगा, ठीक है। पेमेंट पता है 1-1 साल 2-2 साल के बाद भी होती है कभी कभी, तो इतना बड़ा बड़ा असाइनमेंट भी होता है, ठीक है, जो इंटरनेशनल डील्स होती है 1-1 साल 2-2 साल के बाद भी होती है पेमेंट, ये सीन होता है, ठीक है। तो इमीडिएट पेमेंट का कुछ ये नहीं है कि तुरंत करी ये करी, और इसमें भी थोड़ा बहुत ये बोल देता है कि भाई कैश में करेगा तभी करूंगा मैं, ठीक है, बैंक से नहीं, ठीक है, बैंक से वो हो जाएगा ना, व्हाइट मनी हो जाएगी, ब्लैक मनी वो करूंगा मैं तो कैश लूंगा, ठीक है। किसी भी दुकानदार को 2 लाख से ज्यादा कैश लेने की अनुमति नहीं है, ठीक है, 2 लाख से ज्यादा अगर पेमेंट लेते हो तो चेक में लो। तो भाई इमीडिएट पेमेंट पे क्या मिलेगा, तो मैं कैश डिस्काउंट कितना भी हो सकता है, ऐसे नहीं क्योंकि फिक्स हो, ज्यादातर 2-3% 4% ऐसा होता है। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है भैया, ट्रेड डिस्काउंट होता है कभी भी आप ज्यादा बल्क में खरीदते हो, और ट्रेड डिस्काउंट हमेशा बड़े अमाउंट में होता है, 20% 10%, ठीक है। कैश डिस्काउंट कम अमाउंट में होता है, ट्रेड डिस्काउंट ज्यादा अमाउंट में होता है। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम बल्क में आइटम खरीदते हैं कौन सा, ठीक है। और कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब इमीडिएट पेमेंट करते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ भी मिल सकते हैं। मान लो हमने क्या करा, हमने बोला अच्छा 1000 पेन खरीदे तो कितना डिस्काउंट दोगे, उन्होंने बोला 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट 1000 पेन पे। और हमने बोला अभी पेमेंट कर देंगे तो कितना डिस्काउंट दोगे, तो उसने बोला 2% और, ठीक है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट और 2% कैश डिस्काउंट। बाइफर्केशन करना चाहिए,
क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई ये ट्रेड डिस्काउंट है और इतना कैश डिस्काउंट है, पर हमें बाइफर्केशन आना चाहिए कि भाई क्या ट्रेड डिस्काउंट है और क्या कैश डिस्काउंट है। कभी कभी क्या होता है चार मार्क्स का ना इसका वो आ जाता है डिफरेंस, तो बुक में शायद डिफरेंस भी है, मार्क कर दो आ सकता है तीन से चार मार्क्स। तो पेपर में डेफिनेशन डेफिनेशन भी आ जाएगा। हां 11th में तो आती है, पढ़ा ही नहीं होगा क्या डेफिनेशन भी आता नहीं पड़ेगा। डेफिनेशन भाई तुम्हें नोट्स भेजे हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के, उसी में से आएगा जहां भी जो भी आएगा, वरना अगर कोई और डेफिनेशन आते हैं बना के ले लो। फिर दोबारा भेज देना नोट, दोबारा भेज देना, भेज देना मुझे ठीक है, वरना फोन है मेरे पास किसी की कॉपी ले जिसके पास होगी फोटो खींच अपना चाहिए ठीक है ना। क्या किसी ने लिखे हैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर लिखे हैं सेकंड के खाली फर्स्ट और थर्ड आपने सेंड किए थे फर्स्ट और थर्ड के भी कह रहे थे मैंने हाँ आपने सेंड किए थे वही तो बोला सेंड किए थे नहीं थे क्यों लिखे हुए थे लिख लेता भाई खाली क्या लिखे हैं ठीक है कोई नहीं बाद में लिख लेना। देखो रेट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क समझ आ गया आया कि नहीं आया। अब देखो इसमें जनरल एंट्री क्या होगी, कभी भी ध्यान से सुनना, कभी भी हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है ना तो हम इसे इग्नोर करते हैं, हम क्या करते हैं इसे इग्नोर, इसको जनरल एंट्री में नहीं लिखते, इसको जनरल एंट्री में नहीं लिखते, जनरल एंट्री के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे लिखते ही नहीं ठीक है ना। कभी भी हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो इसे क्या करते हैं इग्नोर। हमारे अकाउंट्स के टीचर है जिससे अभी मैं पढ़ता हूँ ऐसे ही बोलते हैं इग्नोर ठीक है, बढ़िया होता है मतलब इस तरह से ना ऐसे कुछ अतरंगी सा बोलना तो दिमाग में फंस जाता है, अचानक तुम जैसे सोच रहे हो फिर आता है कि भैया ने ऐसे बोला था इग्नोर, तो ऐसे आ जाता है। तो ऐसे सोचा करो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से बना ले करो जिससे याद रहे ठीक है। तो मैंने क्या बोला ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो उसे क्या करो इग्नोर, इग्नोर मतलब सिंपल सी बात है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा, अभी दिखाऊंगा कैसे नहीं आएगा। कैश डिस्काउंट जब भी आएगा वो डिस्काउंट रिसीव नाम के कॉलम से आएगा, क्या होगा डिस्काउंट रिसीव नाम के कॉलम से आ जाएगा और इस तरह का हमारे प्रॉफिट और गेन होगा, ये क्या होगा प्रॉफिट या गेन होगा और इसके बैलेंस क्या होंगे क्रेडिट, इसके बैलेंस क्या होंगे क्रेडिट ठीक है। बात समझे जैसे कि मान लो 100 रुपए के हमारे गुड्स हैं, 100 रुपए के हमारे गुड्स हैं, उसमें हमें 20% साइड में बोल दिया 20% क्या मिला है ट्रेड डिस्काउंट, 20% क्या मिला है ट्रेड डिस्काउंट ठीक है। एक्स एक बदला है उसने वाई से गुड्स खरीदे हैं कितने के 100 रुपए के और वाई ने उसे क्या दिया है 20% ट्रेड डिस्काउंट, क्या दिया है 20% ट्रेड डिस्काउंट, इसकी जनरल एंट्री पास कर। तो ध्यान से सुनो 100 रुपए के गुड्स है 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला तो माइनस करो 20%, तो इसका 20% क्या होगा 20 रुपए, तो कितने हो गए 80 रुपए, तो गुड्स की कॉस्ट पता है क्या आएगी 80 रुपए, गुड्स की कॉस्ट क्या आएगी 80 रुपए। उसने 100 में लिया है, उसने 100 में लिया है 80 में बेचा है, तो उसमें 80 में बेचा नहीं है, एक्स एक बंदा है मैं हूँ और तू है, तूने मेरे को सेल करा और तूने बोला कि भाई 100 रुपए के गुड्स है 20% डिस्काउंट पे लेना ट्रेड डिस्काउंट ठीक है। तो भाई जो तुम मेरा गुड्स देगा ना 100 रुपए के थे वो 20% डिस्काउंट मिला, वो मेरे कितने के पड़े वो 80 के पड़े, क्यों क्योंकि भैया 20 रुपए हम कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, 20 रुपए कहीं रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, तो हमें कितने का पड़ा वो 80 का पड़ा, तो एंट्री पता है क्या बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारी जेब से कितना गया 80, परचेज भी कितने की 80, 100 की नहीं भी 80 की, हम कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे, हम क्या कर देंगे कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे, परचेज हमारी 100 की हुई है पैसे हमने 80 दिए है और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 20 रुपए ठीक है। यहाँ थोड़ा पहुंच पहुंच हो गया, कोई नहीं दिख रहा है ना, बात समझ आई। जब भी हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा तो हम उसे कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे, वर्किंग नोट में लिखा देंगे कि भाई 100 रुपए के गुड्स थे हमारे, उसमें से 20% यानी 20 रुपीज कम हो गए और उसको मार्क भी करेंगे ट्रेड डिस्काउंट ठीक है। लिखेंगे नहीं इग्नोर, दिमाग में रहने चाहिए इग्नोर, इग्नोर मतलब जनरल एंट्री में नहीं लिखेंगे, कोई भी अकाउंट नहीं बनता है ठीक है, वो हमारी कॉस्ट कम कर देता है, वो हमारी क्या कर देता है कॉस्ट कम कर देता है ठीक है ना। और जो कैश डिस्काउंट होता है वो हमारा क्या करता है भाई कॉस्ट कम नहीं करता, वो क्या है हमारा एक तरह का प्रॉफिट होता है, वो हमारा क्या होता है एक तरह का प्रॉफिट होता है, जल्दी पेमेंट करने का हमें कोई जरूरत नहीं थी जल्दी पेमेंट करने की, पर कर दी हमारा प्रॉफिट हो गया बढ़िया ठीक है ना। बात समझ आई सिंपल। अभी ये कौन सी ट्रेड डिस्काउंट वाला, देख सिंपल सी बात है कि भाई 100 रुपए के हमने किसी से गुड्स खरीदे उसने बोला 20% ट्रेड डिस्काउंट दे जाओ, तो 20% डिस्काउंट मिला ना, तो वर्किंग नोट खोलो मतलब वर्किंग नोट एक डालोगे जैसे रफर बनाते हो ना, तुम बोलोगे भाई परचेज हुई है कितने की परचेज हुई है 100 रुपए की, परचेज कितने की हुई है 100 रुपए की,
लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना ट्रेड डिस्काउंट है 20%, कितना ट्रेड डिस्काउंट है 100 रुपए में से 20% क्या 20 रुपए, टोटल कोर्स कितने का है 80 रुपीज, कौन सा डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, ये करेंगे इग्नोर, ये करेंगे इग्नोर, काटे काट के दिखाएंगे नहीं, करेंगे इग्नोर। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला, हम ये दिखा के चलेंगे जनरल एंट्री। और कितना लिखेंगे 80 और 80, ऐसा नहीं लिखना 100 और 80, 100 और 80 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कैसे भाई, डेबिट में 100 रुपए क्रेडिट में 80 रुपए, तुम गुड्स ले रहे हो 100 रुपए के पर तुम पैसे कितने दे रहे हो 80 रुपए, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये तब पॉसिबल है जब क्या हो रखा हो, जब हमारा कैश डिस्काउंट मिला हो, तो हम टू डिस्काउंट रिसीव नाम से एक आइटम डाल दें। बात समझ आई, सिंपल, इसे नोट कर लो फटाफट। ये कब आएंगे भाई, देखो ये हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, परचेजर की, परचेजर को ही तो डिस्काउंट मिलेगा। पर अगर हम बात करें सेल सेलर की, ठीक है, ये मेरी बुक्स में एंट्री होगी, पर अगर हम बात करें सेलर की, बाय की, बाय तो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो सेल कर रहा है वो क्या करेगा, डिस्काउंट अलाउ करेगा, तो अलाउ के टाइम पे ना कोई ट्रेड डिस्काउंट होता है और ना कोई कैश डिस्काउंट होता है, सिर्फ उसने क्या दिया, डिस्काउंट दिया है। ठीक है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट कब होता है, जब हम कुछ खरीद रहे हो, जब हमें डिस्काउंट मिल रहा हो, और जब हम दे रहे होंगे ना, तब कोई कैश डिस्काउंट और उसके नाम की चीज नहीं है। ठीक है, और जब हम खरीद रहे हो तब रिसीव, तब हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा भाई ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो इग्नोर करेंगे, कैश डिस्काउंट हुआ तो नोट कर लेंगे। भाई नोट कर, फोटो तो खींचूंगा पर नोट तो करना ही है, नोट कर लीजिए, नोट कर, क्वेश्चन कराना अभी मेरे को इसका, ठीक है ना।